बीआरसीसी वापस जाओ, जुगाड़ से कुर्सी कब्जाने वाले ब्रह्मानंद श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही की मांग। शहडोल जिले के जयसिंह नगर का मामला। नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान गंगराड़े और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। नियमों को दरकिनार करते हुए सिर्फ बड़े अधिकारियों से पहचान व मिलीभगत की बदौलत ब्रह्मानंद श्रीवास्तव जयसिंह नगर बीआरसीसी की कुर्सी पर कुछ ऐसे बैठे हैं कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे। नियमानुसार राज्य शिक्षा केंद्र किसी भी व्यक्ति की 3 साल से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं करता है, लेकिन क्या है कि मामला डीपीसी मदन त्रिपाठी के खास करीबी व्यक्ति का जो था। ब्रह्मानंद श्रीवास्तव बीते 4 वर्षों से जयसिंह नगर बीआरसी के पद पर पदस्थ हैं। इसके पूर्व भी लगभग 6 वर्षों तक गोहपारू बीआरसी के समन्वयक थे। वहां पर भी इन पर गंभीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे थे। परिणाम स्वरूप इन्हें निलंबित भी किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग में अपने रुतबे की बदौलत इन पर आरोप प्रमाणित होते हुए भी इन्हें जयसिंह नगर के समन्वयक के पद पर बैठा दिया गया। इनकी कारस्थानियों को सामने लाकर भाजपा नेताओं ने इन पर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा के जयसिंह नगर मंडल अध्यक्ष रामनारायण पांडेय और अन्य भाजपा नेताओं ने कमिश्नर को इनकी शिकायत सौंपी। इनकी मांग है कि ब्रह्मानंद श्रीवास्तव को अपने वर्तमान पद से हटाकर अपने मूल पद, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आखेटपुर के शिक्षक का है, वहां पर भेज दिया जाए। सोचने वाली बात है कि पूर्व में भी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने वाले इन मैनेजमेंट गुरु पर सरकार इतनी मेहरबान आखिर क्यों बनी हुई है। शहडोल जिले में ऐसे और भी मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे लोग तैनात कर दिए गए हैं जो पदस्थ तो जनपद शिक्षा केंद्रों में हैं, लेकिन काम जिला शिक्षा केंद्रों के अफसरों के इशारे पर ही करते हैं। सरकार को चाहिए कि जुगाड़ के दम पर समन्वयक बने फिर रहे ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्यवाही करे। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे वोकल न्यूज शहडोल।